बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटा कैसे हैं आप लोग बेटा आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल होगा ग्रुप नंबर फ़ाइव एंड सिक्स एलिमेंट्स बेटा इस चैप्टर में हम ग्रुप नंबर फ़ाइव ए के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ग्रुप नंबर सिक्स ए के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ग्रुप नंबर फाइव ए जो है बेटा है, इसके अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो उनमें हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ अब बेटा ये जो है ना ये ग्रुप नंबर फाइव ए के एलिमेंट है ग्रुप नंबर फाइव ए के एलिमेंट्स और अगर हम ग्रुप नंबर सिक्स ए के एलिमेंट्स की बात करें तो बेटा इनमें आ जाते हैं ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टैलोरियम एंड पोलोनियम तो ये बेटा जो है ना वो ग्रुप नंबर सिक्स ए के एलिमेंट हैं ठीक है ऑक्सीजन फास्फोर सल्फ़र सिलीनियम टेलोरियम और पोलोनियम तो ये बेटा ग्रुप नंबर फाइव ए और सिक्स ए के एलिमेंट हैं तो हम ग्रुप नंबर फाइव ए को पहले स्टडी करेंगे और ग्रुप नंबर फाइव ए में हमारा जो आज का टॉपिक होगा बेटा वो होगा नाइट्रोजन और एंड इट्स कंपाउंड तो ग्रुप नंबर फाइव ए से बेटा हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर फाइव ए जो है प्रोडिक टेबल में इसमें नाइट्रोजन है फास्फोरस है आर्सिनिक है एंटीमनी है और इसमें हमारे पास होगा बिसमत इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इनकी बेटा फ़िजिकल अपीयरेंस इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन इफिनिटी इलेक्ट्रॉनैगेटिविटी सब कुछ इस टेबल में लिखा हुआ है तो हम शुरू करते हैं जनरल करेक्ट्रिस्टिक्स से तो सबसे पहले हमारे पास बेटा जो पॉइंट है वो है मेटेलिक करैक्टर बेटा आप लोग जानते हैं एक ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज कर इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम अगर हम एक ग्रुप में मूव करते हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या करता है इंक्रीज़ करता है ठीक है तो अगर हम पाँचवें फि फाइव ए ग्रुप में मूव करें तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ तो टॉप टू बॉटम जो है वो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ करता है नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है बेटा ये नॉन मेटल हैं ये प्योरली नॉन मेटल्स हैं ठीक है थीके? और आर्सेनिक और एंटीमनी जो हैं बेटा ये मेटलॉयड हैं यानी ये इंटरमीडिएट होंगे मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में मेटलॉयड्स ठीक है और यहाँ पे जो बिस्मथ होगा बेटा ये प्योरली मेटल मेटेलिक करेक्टर शो करता है यानी कि यहाँ पे ये क्या है हमारे पास ये मेटल है ये क्या है ये मेटल है तो ये है बेटा मेटेलिक करेक्टर के बारे में हमने बात की अब बेटा हम बॉन्ड नेचर की बात करते हैं अगर हम बॉन्ड नेचर की बात करें तो जो नॉन मेटल होंगे अल्टीमेटली वो कोबरन बॉन्ड बनाएंगी तो नाइट्रोजन जो है हम जानते हैं इसके ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव है एंटीमनी और बिस्मत जो है जो ग्रुप नंबर फाइव एक में जो बॉटम पे हैं एलिमेंट्स वो लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं और जो नाइट्रोजन है वो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं तो ये कोबरन बॉन्ड बनाएगी और बस्मत जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है एलोट्रोप्स की बात करें तो फास्फोरस बेटा इनमें एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एलोट्रोप्स की फॉर्म में रहता है और इसके दो एलोट्रोप्स हैं जिसको हम कहते हैं रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस तो इसके दो जो हैं वो हमें एलोट्रोपिक फॉर्म्स मिलती हैं एक होती है रेड फास्फोरस और एक होती है वाइट फास्फोरस ठीक है तो इसको आपने मद्देनज़र जो है वो रखना है इसके बाद बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जो है ना वो आ, ये प्लस थ्री भी शो करते हैं और प्लस फाइव भी शो करते हैं माइनस थ्री भी शो करते हैं और प्लस फाइव भी शो करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड कौन सा बनाया जा रहा है किस तरह से बॉन्डिंग कर रहे हैं अगर हम यहाँ पे फास्फोरस को डिस्कस करें तो बेटा फास्फोरस की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखें तो फास्फोरस की इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में इसके पास फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन है और ये थ्री एस टू और थ्री पी थ्री इसका वैलेंस शेल है होगा और इसके साथ जो है बेटा वो थ्री डी जो है वो खाली पड़ा हुआ है अब ये जब बॉन्डिंग करता है बेटा तो ये अपने डी सब शेल को इस्तेमाल कर सकता है बॉन्डिंग में और जब ये डी सब शेल को इस्तेमाल करता है तो बेटा ये पाँच बॉन्ड बनाता है एक इलेक्ट्रॉन एस से ट्रांसफर हो के पी में चला जाता है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एस से ट्रांसफ़र होकर कहाँ पर पे पे चला जाता है सॉरी डी में चला जाता है एस से ट्रांसफ़र होगा एक इलेक्ट्रॉन और डी में चला जाएगा तो ये बेटा जो है ना वो आपने याद रखना है तो ये पांच पोर्ट बनाएगा और प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड बेटा यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड अदर ग्रुप नंबर फाइव ए एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड अदर ग्रुप नंबर फाइव ए एलिमेंट्स तो नाइट्रोजन के और दूसरे ग्रुप मेंबर में क्या फ़र्क है इसको डिफरेंस को हमने बेटा टेबल में लिखा हुआ है इस टेबल को आपने याद कर लेना है इसके बाद बेटा अक्रंस है अक्रंस की अगर हम बात करें तो बेटा हमारे पास जो है नाइट्रोजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें पता है कि वो स्पेस के एयर में पाया जाता है सेवेंटी एट परसेंट बाई वॉलीम जो है ये एयर में पाया जाता है और ये इनएक्टिव गैस है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन ठीक है तो ये इन एक्टिव गैस है कम्बाइंड स्टेट में जो है बेटा ये लिविंग मैटर के अंदर पाया जाता है और जो है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर प्रोटीन्स के अंदर होती है यूरिया में होती है नाइट्रोजन और अमाइनो एसर्ड्स में होती है अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड और सबसे पहले हम इनके कंपाउंड में पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स बेटा हमारे पास नाइट्रोजन के जो है ना वो बहुत सारे ऑक्साइड हैं कुछ उनमें से हम स्टडी करने जा रहे हैं सबसे पहले हमारे पास है एन टू ओ फिर है एन ओ और फिर है एन ओ टू और इसके अलावा ये एन टू ओ थ्री भी बनाती है और एन टू ओ फाइव भी रहती है तो हम स्टार्ट करते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी एन टू ओ से और इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं तो बेटा नाइट्रस ऑक्साइड यानी एन टू ओ इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं सबसे पहला मेथड प्रिपेयर करने का है कि हम नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवा दें जिंक मेटल के साथ तो क्या बनेगा जिंक नाइट्रेट बनेगा साथ में एन टू ओ बन जाएगा तो ये हमें चाहिए एन टू ओ हमें चाहिए इसके बाद बेटा दूसरा तरीका ये है कि अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करें तो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो डीकम्पोज होकर क्या बना देगा एन टू ओ बना देगा और एच टू ओ बना देगा तो एन टू ओ जो यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं जब बेटा हम एन टू एन फो एन एन एच फोर एन ओ थ्री यानी अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक ख़तरा होता है कि एक्सप्लोर ना कर दे टेस्ट ट्यूब जो है वो ब्लास्ट ना कर दे तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं तो हम अमोनियम नाइट्रेट की जगह पे हम सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर ले लेते हैं यानी दोनों को आपस में हम हीट करते हैं और हीट करने से अमोनियम नाइट्रेट बनता है और अल्टीमेटली वो डिकम्पोज होकर एन टू ओ बना देता है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है बेटा ये कलरलेस गैस होती है प्लेजेंट स्मेल होती है इसकी स्वीटिश स्वीटिश जो है वो टेस्ट होता है वो कोल्ड वाटर में थोड़ी सी हल हो जाती है और इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एन टू ओ फाइव ओ एन टू ओ को हम क्या कहते हैं लाफिंग गैस कहते हैं और क्यों कहते हैं इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, है क्यों हम इसको लाफिंग गैस कहते हैं क्योंकि अगर हम एक इंसान इसको इनहेल करता है तो वो हिस्टेरिकली जो है वो लाफ्टर के तौर पर बिहेव करता है यानी कि ये जो हमारे ये आ, जो मसल्स uh, हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है और इस से मसल्स सुखड़ जाते हैं और दांत जो हैं वो बाहर आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि कोई इंसान दांत निकाल रहा है तो इसलिए इस वजह से ये एक हिस्टे, हिस्टेरिकल लाफ्टर के तौर पर है, जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं लाफिंग गैस ठीक है और इसको इस्तेमाल किया जाता है डेंटल सर्जरी के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपने नोट कर लेना है रिएक्शन क्या है बेटा ये कंबस्टिबल नहीं होती है। लेकिन वो कहता है कि ऑक्सीजन की तरह अगर अल्टीमेटली किसी आ, के साथ इसको किसी सब्सटेंस दूसरी सब्सटेंस के साथ इसको अगर हम बर्न करवाएं तो ये बर्निंग कर जाती है ये ठीक है ये बर्न कर जाती है और ग्लो करना शुरू कर देती है अगर किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ इसको जलाया जाए तो ये एक स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी काम कर रही होती है एलट सपोज की अगर हम सल्फ़र के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं ठीक है बर्निंग सब्सटेंस अगर हमारे पास सल्फर है सल्फर के साथ हम इसको बर्न करते हैं तो ये सल्फर को एस टू में कन्वर्ट कर देगी और ये खुद रिड्यूस होके नाइट्रोजन बन जाएगी नाइट्रोजन गैस यानी कि ऑक्सीजन के यहाँ से ट्रांसफ़र होके इधर आ गया तो नाइट्रोजन का लॉस हुआ एन टू ओ से तो इसका मतलब इसकी रिडक्शन हुई और सल्फर ने ऑक्सीजन को गेन कर गेन कर लिया ऑक्सीजन को तो सल्फर की ऑक्सीज जो है वो ऑक्सीडेशन होगी तो ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रही है अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं बेटा फास्फोरस के साथ ये फास्फोरस की ऑक्सीडेशन करवा देगी और उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी और खुद रिड्यूस होकर नाइट्रोजन गैस बना देगी अगर कोपर से रिएक्शन करवाएंगे तो कोपर की जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये था बेटा एन टू ओ इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड एन ओ इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं और नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड भी कहते हैं तो बेटा नाइट नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं हम कॉपर का रिएक्शन करवाते हैं नाइट नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर नाइट्रेट बनता है साथ में एन ओ जो है वो प्रोड्यूस होता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम डायरेक्ट रिएक्शन भी करवा सकते हैं एन टू ओ टू का यानी ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का और ये एन ओ बनता है और ये तीन हज़ार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बनता है और ये ए, ये जो हमारे एटमोसफेयर है इसमें ये प्रोड्यूस हो जाते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके एन वो बना देता है लेकिन कब बन जाता है जब तूफान आता है और बिजली चमक दी है तो हम कहते हैं इसके लिए थंडर स्टॉम जो है ना वो होना लाजमी है कंडीशन है कि ये इतनी ज़्यादा जो हीट है वो टेम्परेचर है वो कब प्रोवाइड किया जाएगा बाई एलेक्ट्रिसिटी इसको इलेक्ट्रिकल आर्क चाहिए ठीक है प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये कलरलेस गैस होती है एयर से हैवी होती है और पानी में हल हो जाती है ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाए तो यह एनोटू में कन्वर्ट हो जाती है और अगर ये डिकम्पोज हो तो अल्टीमेटली फिर क्या बनाएगी नाइट्रोजन बना देगी और ऑक्सीजन बना देगी और ये रिएक्शन होगा वन थाउजेंड डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोसाइल क्लोराइड बना देती है जब ये क्लोरीन से रिएक्शन करती है और ब्रोमीन से रिएक्शन करेगी तो नाइट्रोसाइल ब्रोमाइड बना देगी तो यहाँ पे ये एन ओ रिएक्शन कर रहा है सी ओ टू से तो एन ओ सी एल नाइट्रोसाइल क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है इसके बाद बेटा जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिंग टेस्ट ठीक है नेक्स्ट तो हमारे पास क्या है रिंग टेस्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसको बड़े अहम शॉर्ट क्वेश्चन है इसको आपने याद रखना है वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसको आपने हर हाल में याद रखना है बेटा ये हम सॉल्ट एनालिसिस में कन्फर्मेटन के लिए करते हैं नाइट्रेट आयन की कन्फर्मेशन के लिए हम ये टेस्ट करते हैं कि जो हमारे हमें गिवन सब्सटेंस है उसके अंदर नाइट्रिक नाइट्रेट आयन है या नहीं है तो रिएक्ट करने का ये ये टेस्ट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम जो है ना जिस सॉल्ट के अंदर हमने देखना है कि इसमें नाइट्रेट आयन है या नहीं है नाइट्रेट आयन एन नेगेटिव हैं या नहीं है उसको हम वाटर में हल करके उसके अंदर फ्रेशली प्रिपेर एफ़ जो है वो ऐड कर देंगे उसके बाद हम उसमें जो है ना वो स्लोली स्लोली जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो रिएक्शन होता है और रिएक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास लेट्स पोज टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया हमने इसके अंदर सोल्यूशन बनाया वाटर डाला और उसमें हमने सो गिवन सॉल्ट का नाइट्रेट का सोल्यूशन बना दिया वाटर के साथ और वो उसमें डाल दिया फिर हमने उसमें एफ़ फोर डाल देना ठीक है एफ एस ओ तो फोर डालने के बाद हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड जब डाला तो ये तीन चीज़ें जब हम उसमें डालेंगे तो यहाँ पे हमें इसके सर्कल में जो है वो एक ब्राउन कलर की रिंग बनती हुई नज़र आएगी अगर ऐसा हो जाए तो फिर नाइट्रिक नाइट्रेट आयन मौजूद है अगर ऐसा ना हो तो फिर नहीं है गिवन सॉल्ट में नाइट्रेट आयन मौजूद नहीं है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बेटा ये रिएक्शन करना है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कैसे काम करती है ये क्वेश्चन भी मैंने साइड पर लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कैसे एन काम करती है कि एच है ना जो उसकी रिडक्शन कैसे करवाती है एच एस एच टू एस को एस में कन्वर्ट लू, कर दी है यानी कि हाइड्रोजन को लूज कर दिया यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं क्या होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है इसके बाद बेटा जो है वो ये एन ओ जो है ये कन्वर्ट किस में हो रहा है एन टू ओ में और एन एन टू ओ जो ओ जो है बेटा उसमें जो है ना इसने क्या कर दिया इसने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया तो खुद जो है ये रिड्यूस हो गया ठीक है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम इसको देखें तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एच टू और एन ओ टू बना देगा तो ये बेटा दो रिएक्शन जो है वो आपने इसके लिए प्रिपेयर कर लेने हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एन ओ टू है एन ओ टू को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा लैब के अंदर हम पहले पढ़ने जा रहे हैं कि लैब के अंदर हम इसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे हम लेते हैं लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट को बेटा हम हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है साथ में क्या बना देता है एन ओ टू बना देता है यानी कि हीट करने से उसको हम ब्रेक कर लेते हैं लेड नाइट्रेट को हीट करके ब्रेक कर लेते हैं डिकम्पोज कर लेते हैं तो हमें एन ओ टू यहाँ से जो है वो मिल जाएगा इसके बाद अगर हम कॉपर का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री का तो हमें क्या मिलेगा एन ओ टू वहाँ से जो है वो मिल जाएगा इसकी खसूसियात क्या है ये रेडिश ब्राउन गैस होती है पंजेंट स्मेल होती है बर्दाश्त नहीं होती रेडली सोलबल होती है वाटर के अंदर ब्लू एसडिक सोल्यूशन बनाती है एच एन ओ टू की प्रेजेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट क्या है कि जब हम एन ओ टू को बेटा हीट करते हैं जब हम एन ओ टू को जो है वो आ, हीट करते हैं तो बेटा ये आ, गैस जो है वो अपना चेंज हो जाएगी अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करेगी तो अगर हम कूल करते हैं इसको तो अल्टीमेटली ये येलो लिक्विड में कवर आ, हो जाएगी गैस है गैस को कूल करेंगे तो येलो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि डायनो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की फॉर्म में पेल येलो कलर के जो है ना मज़ीद हीट कूल uh, cool करने पे वो सॉलिड फॉर्म में जब जाएगी तो पेल येलो कलर की जो है ना इसकी क्रिस्टल्स बन जाएंगी और इसको जब हम हीट करते हैं वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस पे तो दोबारा ये रेडिश ब्राउन जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको अगर हम मज़ीद हीट करते हैं सिक्स ट्वेंटी पर टेम्परेचर तो ये कलर लेस एन ओ में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये हमने इसके लिए कूलिंग भी पढ़ ली कूल cool करने से क्या होगा और हीट करने से क्या होगा नेक्स्ट बेटा इसकी है डीकम्पोजिशन अगर हम इसको डीकम्पोज करते हैं यानी हीट करके इसको ब्रेक करते हैं तो ये एन NO ओ में कन्वर्ट हो जाएगी और अगर हम इसका फास्फोरस से रिएक्शन करवाते हैं तो फास्फोरस से रिएक्शन करवा के बेटा ये उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी और खुद एन ओ में कन्वर्ट हो जाएगी यानी कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन करवा देगी और खुद रिड्यूस हो जाएगी इस नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिसोल्यूशन इन वाटर वाटर में अगर हम इसको हल करते हैं तो पहला है कि कंडीशन है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो अगर हम एयर की एब्सेंस में इसको वाटर में जो है वो डिजोल्व करते हैं तो बेटा ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड का मिक्सचर जो है वो वाटर के अंदर बना देंगे और अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम अगर हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो सिर्फ नाइट्रिक एसिड ही बनेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है बेटा ये ज, ये जो नाइट्रस एसिड बनेगा इसको मजीद ऑक्सीडाइज करवा के नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा ठीक है थीके? तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है अलकली के साथ जो रिएक्शन करेगी तो बेटा ये सॉल्ट एंड वाटर बनाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड अलकली है उसके साथ रिएक्शन करेगी तो सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्राइट और वाटर जो है वो रिलीज कर देगी ये क्वेश्चन बेटा आपने याद रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपने इसको प्रूव करना है उसको प्रूव करना है कैसे प्रूव करना है उसके लिए आपने इसके जो है वो रिएक्शन लिखने हैं एस टू एस के साथ एफ पी एस ओ फोर के साथ और पोटाशियम आयोडाइड के साथ तीन रिएक्शन लिखे हैं आपने में से कोई दो रिएक्शन शॉर्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं नेक्स्ट है बेटा ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दो एसिड्स हैं एक है एच एन ओ टू जिसको हम नाइट्रस एसिड कहते हैं और एक है एच एन ओ थ्री जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं तो हम पहले नाइट्रस एसिड को पढ़ेंगे फिर हम नाइट्रिक एसिड को पढ़ेंगे नाइट्रस एसिड जो है बेटा इसको प्रिपेयर करने के लिए हम एन टू ओ थ्री डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड इसको हम वाटर के साथ जो है इसका रिएक्शन करवाते हैं जीरो डिग्री सेल्सियस पे तो ये बना देता है नाइट्रस एसिड बना देता है प्योर नाइट्रस एस्टर जो होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए हम कोल्ड आइस कोल्ड बेर आइस कोल्ड बेरियम नाइट्रेट सल्यूशन जो है और आइस कोल्ड डायलोड सलफ्यूरिक एसड इन दोनों का रिएक्शन करवा दें यानी कि दोनों को कूल करके रिएक्शन करवाएंगे और ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे बेरियम सल्फेट में साथ में नाइट्रस एसड में कन्वर्ट हो जाएंगे ये बेटा ये सिर्फ वो कहता है सॉल्ट की फॉर्म में हमें मिलता है और ये स्टेबल होता है सिर्फ सॉल्ट की फॉर्म में एच एन ओ टू कम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता जैसे ही इसको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलती है और ये थोड़ा सा ऑर्डीनरी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर की तरफ जाना शुरू करते हैं हम तो ये कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड में साथ में ये एन ओ गैस जो है वो रिलीज़ कर देता है तो नेक्स्ट बेटा है कि एच एन ओ टू की खसूसियात में से है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और उसके लिए हमने एक इक्वेशन लिखी है इस इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कर स, कर दे दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करने का मतलब है कि दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करे ऑक्सीजन तभी ऐड करेगा ना जब वो ऑक्सीजन को लूज़ करेगा तो हमने देखा कि ये डिकम्पोज होता है एच आई नो टू तो ये एक ऑक्सीजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में रिलीज़ करता है और ये ऑक्सीजन जाके दूसरे सब्सटेंसेस यानी एच आई में एस ओ टू में एस एन सी एल टू आई टू एस एच टू एस ओ फोर और एस एन सी एल फोर में ऐड हो जाती है और ऐड हो के उसकी ऑक्सीडेशन कर देती है जिस तरह ये एच आई से रिएक्शन करवाया तो ये आयो आयोडी आई टू में कन्वर्ट होगी और हाइड्रोजन जो थी वो वाटर में कन्वर्ट होगी एस टू से रिएक्शन करवाया हमने इसका तो ये ऑक्सीजन जो यहाँ से आ रही थी वो इसमें एडिशन कर होकर एच डी फोर में कन्वर्ट हो गया एस एन सी एल फोर के साथ इसका रिएक्शन करवाया जब हमने तो अल्टीमेटली ये उसको कन्वर्ट कर देगा एस एन सी एल टू को एस एन सी एल फोर में कन्वर्ट कर देगा साथ में एन ओ और वाटर बन जाएगा ठीक है तो ये इक्वेशन आपने इस तरह करके याद रखनी है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कैसे काम करेगा बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर किसी भी सब्सटेंस के लिए हम पढ़ें उसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिपेयर कर लेना है तो नाइट्रस एसड जो है वो आ, हमारे पास जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट एजेंट के तौर पर काम करता है एस डी फाइव के एम एन ओ फोर को और बरोमिन वाटर को जो है ये कलरलेस कर देता है कलरलेस करने का मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है जब के एल्कलाइन के एम एन ओ फोर हम कई जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं एसडिफाइड के एम एन ओ फोर भी हम इस्तेमाल करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल किया इस तरह बोरामिन वाटर जो है वो भी हमने ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अब अगर ये इस्तेमाल हो रहे हैं तो के एम एन ओ फोर पर्पल कलर का होता है इसका कलर जो है वो खत्म हो जाता है तो अगर ये रिएक्शन करेगा तो कलर ख़त्म हो गया यानी कि ये ऑक्सीडाइज करेगा किसी सब्सटेंस को तो के एम एन ओ फोर का कलर जो है वो ख़त्म होगा तो अगर हम एच एन ओ टू से रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये हमारा एस डी फाइड के एम एन ओ फोर है इसका एच एन ओ टू से रिएक्शन करवाया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एच एन ओ टू जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एच एन ओ थ्री में तो ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है वो काम कर रहा है एच एन ओ टू यहाँ पर और के एम एन ओ फोर उस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है खुद उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और खुद उसकी जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है और दूसरे सब्सटेंस की वो रिडक्शन कर रहा है अलकली से रिएक्शन करेगा क्योंकि ये एसड है तो अलकली से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करेगा जैसे हमारे पास यूरिया है यूरिया से बेटा जब ये रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन गैस बनाएगा सी ओ टू बनाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा और ये अमाइनो बेंजीन से रिएक्शन करेगा यानी इसको हम एनिलीन भी कहते हैं अमाइनो बेंजीन को जब इससे रिएक्शन करेगा तो फिनोल में कन्वर्ट कर देगा और साथ में एन टू गैस और एच टू ओ बन जाएगा तो ये बेटा रिएक्शंस हैं इनको आपने याद करना है और इसको, इसको इस इम, आज के टॉपिक में से आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो प्रिपेयर करने हैं तो ये था आज का लेक्चर नेक्स्ट हम जो है नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा बेटा अल्लाह हाफिज़